इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ एलोपैथी मेडिसिन के बारे में नहीं जानेंगे, आज जानेंगे एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में जो आयुर्वेदिक कंपनी से आता है। हिमालय आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला एक टैबलेट्स के बारे में आज बात करेंगे, जो टैबलेट्स बहुत सारा काम कर सकता है। आज जानेंगे पाइलेक्स टैबलेट के बारे में, पूरी डिटेल्स जानेंगे कैसे काम करता है, कितने मात्रा में लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, किन किन सिचुएशन में इसको लिया जा सकता है, इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको कैसे यूज किया जाए, किन किन सिचुएशन में नहीं यूजेस कर सकते, महिला पुरुष बच्चे बूढ़ों सभी में क्या यूजेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरे जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। जो कि मैंने पहले ही बताया, हिमालय आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा टैबलेट्स के बारे में, जिसके नाम है पाइलेक्स टैबलेट। पाइलेक्स टैबलेट काम करता है जो पाइल्स की बीमारी है, जिसको हिंदी में बवासीर कहते हैं, उस बीमारी को पर्टिकुलर ठीक करने के लिए इस पाइलेक्स टैबलेट का यूज लिया जाता है। पाइल्स, बवासीर, फिस्टुला, ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकता है। इसका जो प्राइस हो सकता है 180 से लाकर 190 रुपए के बीच में 60 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर आयुर्वेदा मेडिसिन स्टोर में मिल जाएगा। अभी तो ये एलोपैथी मेडिसिन स्टोर में भी बिकने लगा है, एलोपैथी मेडिकल स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खरीदिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज कीजिए। ये वैसे तो बहुत ही सेफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में डोज लेने पर कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट खराब वगैरह हो सकते हैं, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया है। ये बहुत ही सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ भी मेडिसिन हो, या आयुर्वेदिक हो, या होम्योपैथी हो, या एलोपैथी हो, कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके काम साइड इफेक्ट जानने के बाद जान लेंगे इसको सेफ्टी इन्फॉर्मेशन कैसे यूज किया जाता है। इसको 15 साल से ऊपर से लगाकर बुजुर्ग तक सभी में सेफली यूजेस लिया जा सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे डॉक्टर के सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ भी मेडिसिन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूजेस नहीं किया जा सकता, फिर भी डॉक्टर ज़्यादा जांचने के बाद ही डोज निर्धारण करते हैं या देते हैं। आयुर्वेदा मेडिसिन है, साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर के सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसके डोज कैसे लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए। यह आयुर्वेदा मेडिसिन है, धीरे धीरे करके वर्क करता है, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए चलाया जा सकता है, हर दिन दो गोली करके लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। कभी कभी डॉक्टर द्वारा एक महीने के लिए लेने की सलाह दी जाती है, और कभी कभी एक से लेकर तीन चार महीने तक भी लेने की सलाह दी जाती है। वो रोग के गंभीरता के ऊपर और एज कितना है, कितने मात्रा में है आपका, उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सीवियर मात्रा में पाइल्स हो गया हो, उसी सिचुएशन में आपको तीन से लेकर चार महीने तक भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। वैसे मैं बार बार पाइल्स या बवासीर कह रहा हूँ, पाइल्स या बवासीर होता क्या है ये जानने चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा पाइल्स या बवासीर कैसे होता है। वैसे तो मेरा चैनल पेज में बहुत सारा वीडियो है जिसमें पाइल्स और बवासीर की ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया है, आप चैनल पेज में जाके वो भी देख सकते हो, या इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हो। ये आयुर्वेदा मेडिसिन है, वैसे तो सेफ मेडिसिन माना जाता है, लेकिन डॉक्टर के सलाह के साथ ही यूज किया जा सकता है। खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह के साथ ही यूज कीजिए। दोस्तों इसके लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो बनने के लिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।